स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सामाजिक विज्ञान फॉर यू में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 3, निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे निर्धनता क्या है, निर्धनता रेखा क्या है, सामाजिक अपवर्जन क्या है, असुरक्षा क्या है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन क्या है, अंतर्राज्यीय असमानताएँ क्या है, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य क्या है, निर्धनता के कारण क्या हैं, निर्धनता निरोधी उपाय क्या हैं और भावी चुनौतियां क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि निर्धनता क्या है। निर्धनता या गरीबी वो अवस्था है जब आपके पास मौजूद संसाधन आपके ज़रूरत से कम होती है। एक गरीब आदमी अपनी रेंट पे करने में असमर्थ होता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ होता है, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होता। अब जानते हैं निर्धनता रेखा क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पे इंसान अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए अमरीका में निर्धनता रेखा भारत में मान्य निर्धनता रेखा से काफ़ी ऊपर है। सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिसका उपयोग दूसरे करते हैं। इसका एक उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो पिछड़ी जातियों, विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के निर्धन बने रहने की संभावना जताता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। निर्धनता रेखा का आंकलन समय समय पर, सामान्यतः हर 5 वर्ष पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के माध्यम से किया जाता है। असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह वो है जो समाज में सर्वाधिक असुरक्षित है, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। अंतर्राज्यीय असमानताएं। भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा में निर्धनता अनुपात अधिक है। वहीं केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में गिरावट आई है। निर्धनता के कारण। निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन। दूसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि। तीसरा कारण है भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। चौथा कारण है छोटे किसान कर्ज के लिए बड़े किसान पर निर्भर रहते हैं। और पांचवा कारण है रोजगार की कमी। अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से निर्धनता निरोधी उपाय कौन कौन से लाए गए हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये 1993 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये 1999 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये 1995 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये 2000 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पांचवा उपाय है मनरेगा। ये 2005 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य हर घर के लिए
मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन डॉलर 1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करने में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2015 में 0.7% रह गया है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में भी निर्धनों की संख्या 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% हो गया है। भावी चुनौतियां। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद भी निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी और यह प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।